हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एक्सेल की है और एक्सेल में खास क्या सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और ये उनकी प्राइस है और यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है कि कितना कितना किलो परचेज किया गया है। तो अब यहाँ पे केजी लिखा हुआ है, तो ये नंबर फॉर्मेट तो नहीं है, ये नंबर और टेक्स्ट का मिक्स फॉर्मेट है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट से, तो क्या हमारा आंसर आएगा। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हैश वैल्यू करके एरर आ रहा है। अगर मैं इसे नीचे ड्रैग कर देता हूं तो भी यहां पर सारे में हैश वैल्यू एरर आ जाएगा। इसका एक सॉल्यूशन छोटा सा, अब ये कोई बहुत मीनिंगफुल तो नहीं है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले का यूज करके बताता हूं। तो यहां देखिए सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला आ जाता है। अब ये करेगा क्या, देखिए यहां पर अगर मैं 5 किलोग्राम को सेलेक्ट कर लेता हूं, पहली वैल्यू यही है तो इसी को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको कॉमा देना है, इसके बाद डबल डॉट कोट्स ओपन कीजिए। यहां पर क्योंकि हमें केजी को रिप्लेस करना है तो केजी लिखते हैं, ठीक है, और केजी के जगह क्या लेके आना है, खाली स्पेस आ जाए और कुछ ना आए। तो बस यहां पे देख सकते हैं, यहां पे 5 आ गया है। अब इसको मैं करा देता हूं ड्रैग, तो यहां पे ये ड्रैग करा दिया। अब ड्रैग कराने के बाद देखिए ये इस सिचुएशन में आ जाएगा। अब इसको कॉपी करता हूं और यहां पर इसे सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करता हूं, पेस्ट स्पेशल पे चलता हूं और यहां से इसे बना देता हूं वैल्यू। तो ये देख सकते हैं ये वैल्यू बन गई है। अब देखिए यहां पर आपका आंसर आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।